जी को लेके आ रहे हैं बेटा, आलोक कुमार जी की है, बेटा आ रही है। उसके बाद तैयारी कर रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी टू की, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी वन को बहुत प्यार दिया था दर्शकों ने, तो मांग थी सबकी, जहाँ भी जाता था तो लोग बोलते थे भैया टू बनना चाहिए इसके, तो टू बना रहे हैं। उसके बाद जिगर आलोक कुमार जी कर रहे हैं, उसके बाद मेरे छोटे भाई दिनेश लाल यादव बना रहे हैं बॉर्डर, जो आज समय की मांग है, बॉर्डर पे काम चल रहा है, ये आने वाली फिल्म है। सुनील पाल जी के जोगपाल आ रहा है मार्केट में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज टीवी देखने का लोगों के पास समय नहीं है, टीवी के पास लोग घंटों नहीं बैठ सकते, सभी बिजी हैं अपने अपने काम में, पर मोबाइल में यूट्यूब में लोग देखना पसंद करते हैं, वो फिल्में हों या जो भी हो। तो ये जो सीरीज इन्होंने स्टार्ट किया है अपना सुनील पाल के जोक पाल, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, और इसे हम तो खुद भी देखेंगे, क्योंकि मैं इसको देखता रहता हूँ, सुनील पाल जी का जितना भी कॉमेडी है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत आनंद आने वाला है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे इसे देखिए, और देख के आपको आनंद आए तो अपने दोस्तों को भी आप कहिए देखने के लिए। बाकी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए जो दर्शक चाहते हैं आपसे कराना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों के मांग पे ही हम चलते हैं। जब भी हमारी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हम थिएटर में जाते हैं, वहाँ अपने दर्शकों से मिलते हैं और उनकी राय पूछते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कैसी फिल्म में चाहते हैं, तो उनकी जो राय होती है उसी हिसाब से फिल्में बनाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा है। दीपावली की शुभकामनाएं। मैं पूरे भारतवर्ष को दीपावली का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप पटाखे न जलाएं, वातावरण को दूषित न करें, और सुरक्षित होकर दीपावली मनाएं। माना जाता है कि दीपावली जो है वो अंधकार पे प्रकाश की विजय का पर्व है, तो आप ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित कीजिए, और बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।